हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जल्दी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं और राजा थोड़ा सा कल नामकरण है तो सामान बचा हुआ है, बोले जा रहे हैं तो उसके मैंने कपड़े पहना दिए, फुल पहनाए हैं क्योंकि अगर नीचे फैन भी तेज चलता है तो एटलीस्ट ये रहेगा कि इसको गर्मी ना लगे। तो ये सोया हुआ है इसलिए मस्त दूध दूध पी के पीट पी के सो गया है। सोया हुआ है वो। तो चलिए चलते हैं और आज मैं से उसमें ही दे रही है ना, तो चलिए चलते हैं। बुआ पापा और मम्मी नीचे हैं, नीचे पूरा राशनिंग वगैरह का काम था वो हो चुका है। मेरे मम्मी पापा भी सुबह आ रहे हैं तो अभी पता पूरा काम करते हैं, मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है। नहीं यार, नहीं यार, गर्मी वो देख रहे हो, सारी हालत खराब हुई पड़ी। वो चोकर छोड़ा कि नहीं उसने? चोकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वो चोकर पकड़ के रखा है। मेरा गला पकड़ के दे ये। ओए राम, अभी से गले पकड़ने लगा। मंगलसूत्र पकड़ा हुआ है। मंगलसूत्र नहीं, चोकर है वो। तो बाल बहुत गंदे खींचता है वो। ये छोड़ा भैया। हां भैया, ये हमारी मोना दीदी है, हमारी नासिक में। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में और यहाँ बहुत भयानक भीड़ ही रहती है हमेशा। तो यहाँ से पहले शॉपिंग करते हैं क्योंकि पता है हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए यार, घर के काम निपटा रही थी मैं। तो 8:30 हो रहा है। तो हम लोग आ गए हैं घर और कर लिए यार शॉपिंग। पता नहीं बहुत मुश्किल से हुई है और थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा फिर ना बच गई हो, पर मम्मी ने भी कर लिया, मतलब कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनने भी करी है। तो अभी ना घर को डेकोरेट करने वाले आए हुए हैं, वो बलून्स कर रहे हैं क्योंकि कल पहले सबसे पहले जो पूजा वगैरह नामकरण की है। बहुत सारा काम बचा है और टाइम हो गया है 10। ये देखो तो अच्छा लग रहा है ना, तो ये ऊपर की बालकनी देखी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा भैया, जो मैंने बाहर से दिखाई नहीं थी, देखिए ऊपर का है ये पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया था, काफी अच्छा लग रहा है। मैं लगा रहा हूँ कॉल। पीछे से खुला है क्या? ठीक है, खुला है। ऊपर आ गए हम लोग, मैंने आके खाना बना लिया है। नीचे डेकोरेशन का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाई है, कल मैं आपको पूरी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने डुगू के खिलौने सजाए थे और आपको पता है, एक बार बताती हूँ, सामान जो है ना वो लेके आ गए। तो उसमें कुछ सामान ऐसा था जो मम्मी लाती तो वो ओवरलोड जाती। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने उस ब्लॉग में आप लोग को बताया है कि मेरे मम्मी पापा जो है वो आने वाले हैं। तो वो कल सुबह 8-9, अगर ट्रेन लेट हो जाती तो 8-9 बजे तक जो है आ जाएंगे आराम से। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अम्मी चोटी की बहुत पतली हो गई है। कल मैंने ना अपने बाल कंघे किए थे और यहाँ से ना इतना गुच्छा जो है बालों का वो निकला, मेरे पता बहुत बाल, मतलब कल मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे रोना आ गया था अपने बाल को देख के। मेरे बाल बहुत पतले हो गए, हल्के हो गए एकदम, ऐसे लग नहीं रहा कि बाल हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे डिलीवरी पे जाने से पहले बाल कट करा लेने थे, पर मेरी जो डिलीवरी थी वो बहुत सडन हुई थी। मैं पूरा सामान रखा है, अभी मैं कुछ कुछ दिखाती हूँ। और आज बहुत ही छोटा सा ब्लॉग जाएगा क्योंकि पता है जल्दी सोना है और जल्दी उठना है और कल का जो फंक्शन है अगर सोएंगे नहीं तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ज्वेलरी निकलवाई है लॉकर से क्योंकि अभी मुझे गोल्ड लगता और घर में इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। तो ना ये जो है सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये ब्लाउज, तो ये मैं आज ही लेके आई हूँ। तो मेरी मम्मी एक येलो कलर की साड़ी लेके आने वाली है, एक पर्पल लाने वाली है और साड़ियाँ भी हैं, तो अब मुझे सिलेक्ट करनी थी तो मैंने येलो और पर्पल करके रखी है। पर्पल के चांसेस ज़्यादा हैं तो मैंने उसके लिए ना ये वाला ब्लाउज ले लिया। ये रेडीमेड था, अब यही मिल रहा था और पता है मैं हम लोग बहुत ज़्यादा भटकना नहीं चाह रहे थे तो एक ये वाला ब्लाउज जो है ये मैं खरीद के लेके आई। ये है येलो की चूड़ियाँ और ना ये देखिए मैं आपको पास दिखा देती हूँ, ये ऑनलाइन ही मंगवाई है मैंने,
तो एक मैंने येलो चूड़ी ले ली और एक ब्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी चूड़ियाँ दिखाई थी। उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल मैं डुगू की मसाज के लाई, मेरे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया तो मेरे को लगा ट्राई करके देखते हैं। ये है फिग्रो का और ये आई थिंक ये मैक्सिमम यूज होने वाला ऑलिव ऑयल है फॉर हेयर एंड स्किन। उसके बाद पता मैं गई थी तो मुझे लगा ना यार वो ले आती हूँ, मैं क्या बोलते हैं बिंदिया ले आती हूँ। तो ये एक मैं स्टोन की बिंदी लेके आई हूँ, एक मैं छोटी कलरफुल शिमरी बिंदी लेके आई हूँ, फिर एक मैं बेसिक रेड लेके आई हूँ जो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी पसंद है, फिर एक स्टोन की कलरफुल बिंदिया लेके आई हूँ, देन फिर मैं हेयर पिन लाई हूँ और ये सेफ्टी पिन लाई हूँ। सेफ्टी पिन मेरे पास रखी हुई है पर इन केस क्योंकि घर में बुआ है, मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है तो किसी को भी सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ सकती है और बहुत ही ज़रूरी होती है इस टाइम पर सेफ्टी पिन। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप तैयार होने वाले तो सबको लगता है सेफ्टी पिन क्या, सेफ्टी पिन क्या, मुझे लगा ला के रख देती हूँ इनकेस किसी को भी ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे। उसके बाद फिर ये है राजा का आउटफिट। तो ये आउटफिट जो है ये मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। तो डुग्गू और राजा सेम कलर का आउटफिट पहन रहे हैं, मेरे को भी लग रहा है कि मैं देखती हूँ मे बी मैं सेम कर लूँ, पर अगर मेरे को जो अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ा डार्क कलर पहनने का मन है इसलिए शायद ना भी करूँ। फिर ये तो चादर है जो मुझे कल चेंज करनी है बेडरूम में। उसके बाद फिर ये है एक गोल्ड शॉपिंग जो कि हमने ना डुगू के लिए करी है और ये जो है ये आई थिंक आप लोग डब्बा देख के बता सकते हैं। तो ये डुगू के लिए करी है क्योंकि आप अपने बेबी को एक गोल्ड तो आई थिंक नामकरण के टाइम देते हो। ये राजपूत सन्स एंड ब्रदर के यहाँ से लिया हुआ गोल्ड है। तो क्या लिया है 24 कैरेट आ रहा है और मैंने ना उनसे ये भी लिया है, ये उन्होंने मुझे फ्री दी है। ये क्या है ना मेरे जो हार है जो मैं गोल्ड पहनना है उसके ना पीछे के खराब हो गए और मेरे को उन्हें अच्छे लग रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि आप दे दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कितना प्राइस, तो उन्होंने बोला चार्ज नहीं कर। मैंने उसके बाद फिर मैंने ये एक गिफ्ट लिया है जो कि आपको, एक मैंने लिया है मम्मी के लिए और एक मैंने लिया है दीपा के लिए और बाकी के जो गिफ्ट्स हैं वो भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी आने वाले ब्लॉग्स में। उसके बाद यहाँ पे कुछ डुग्गू के कपड़े हैं। डुग्गू के कपड़े मेरी मम्मी की तरफ से सारे, पर पसंद मैंने किए हैं। फिर डुग्गू को हमने एज अ पेरेंट क्या दिया है जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि अभी ना पता क्या है सारी चीज़ें जो है ना वो हॉश पॉश हो जाएंगी इसीलिए। और डुग्गू के लिए हम लोग ये लेके आए थे, ये है रॉकर। और एक और चीज़ है डुग्गू के लिए जो हम लोग लेके आए हैं, जो पीछे वाला डब्बा आपको दिख रहा है वो भी डुग्गू के लिए है। यहाँ पे मैंने ना अपनी ज्वेलरी मंगवाई है तो कल पहननी है। एक्चुअली मुझे लगा था आर्टिफिशियल पहनूँ, फिर मुझे लगा कि यार कभी कभी टाइम आता है जब आप अपना असली जो ज्वेलरी होती है वो निकाल के पहनते हैं, कभी कभी आता है वो टाइम, हमेशा नहीं आता है। इसलिए मैंने आज राजा को बोला कि जाओ और ज्वेलरी निकाल के लाओ। देखिए मैं कल जो है पायल सोच रही थी, पर मेरी जो पायल है ना वो हो गई है काली, नहीं इतनी काली भी नहीं है, सही है, मे बी ये वाला सेट पहनूंगी। तो क्या है मेरे पास बहुत सारी, तो मेरे पास ना बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है कि मैं अपने ना कोई भी कलर आ जाएगा और मेरी जो ज्वेलरी है वो मैच हो जाएगी। अगर मेरे को कोई भी येलो है तो येलो कलर की भी है, पर्पल भी है, मतलब सारी ज्वेलरी है अगर उस पे आए तो, मतलब अगर आर्टिफिशियल पे आए। पर मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा ना अच्छा दिखेंगे तो इसीलिए ये जो है ये चोकर है, इसमें तो ऑलरेडी है ही, मेरे को लगा इसमें भी नहीं है। तो ये भी चोकर टाइप का ही है, इसके झुमके, इसके जो बालियां हैं वो अच्छी थोड़ी सी लंबी लंबी बालियां हैं ये, और ये तो मुझे पहनना ही पहनना है। और इसी के झुमके जो है ना वो मैं राजा को बोल रही थी कि इसी के जो झुमके हैं वो मैं इसी सेट का पहनूंगी, मतलब इसी के झुमके, झुमके अच्छे लगते हैं ना, मतलब किसी भी साड़ी के साथ चल जाएंगे, आपके पर्पल के साथ भी चल जाएंगे और उसके साथ भी चल जाएंगे। इन गोल्ड की इयर रिंग के जो झुमके हैं ना, झुमके बाली वो थोड़ी सी फ्लैट में है और उसकी तो उसी की शेप में। एक अंगूठी भी है जो राजा की गिफ्टेड है, इसे तो मैं अभी ही पहन सकती हूँ। ये राजा ने मुझे पिछले साल एनिवर्सरी पे दी थी, ये इस साल के नहीं, ये इस साल की बर्थडे पे दिया था और ये इसी साल एनिवर्सरी पे इयररिंग दी थी जो पहनी हुई। तो ये सारी है, अब मेरे को कल के दिन का काफ़ी इंतज़ार है, मतलब
मम्मी पापा आ जाएंगे तो आपको पता है कि जी अच्छा सा माहौल बन जाएगा। इसमें ना वो कल बहुत आराम से लेटा था बट अभी वो इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बेबी रॉकर में पता नहीं वो कंफर्टेबल नहीं है। वो थोड़ी देर बैठा रहता है और ये ना यहाँ से ना वाइब्रेट होता है, यहाँ से इधर से इतना सेल डलता है वाइब्रेट होता है और कभी जैसे वो रोता है तो मुझे हल्का हल्का हिलाते तो शांत रहता है, पर वो अभी इस सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं है इन सब में इंटरेस्टेड। शोनी तो अभी ये आधी नींद में है। कल डुगु का बहुत बड़ा दिन है, कल क्या आज ही है यार, पता टाइम क्या हो रहा है, बज रहा है सुबह के 3:30 क्योंकि सुबह राजा को 7:30 बजे रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ पे मम्मी पापा आ रहे हैं तो राजा और पापा जाएंगे और मम्मी पापा को लेके आएंगे तो इसलिए इन्हें उठना है, तो 4 घंटे में उठना है। हम लोग इतनी देर से काम ही करने में लगे हुए थे कि थोड़ा थोड़ा सा समेट रहे थे और थोड़ा बहुत फैला भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मम्मी आ रही है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही। हाँ कोई और आ रहा था तो मुझे लगता कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैंने क्या करके रखा है घर का हाल। वैसे घर का हाल बहुत सही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कबाड़ा हो रहा है, पर डस्ट और थोड़े बहुत ना जाले वाले हो रहे थे तो वो थोड़ा थोड़ा काम था, डस्ट काफ़ी हो रही थी घर में, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पर ही रखी है ना गुगू। मेरी मम्मी ने ना 9 महीने ना छपाई कर पाई अच्छे से, उसके बाद भी मेरी मम्मी ने उठ गए तो फाइनली डुगू जी उठ गए हैं, तो ये बीच बीच में अलार्म देते हैं तो ये उठ चुके हैं, अब इनको फीड कराते हैं और इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ सोने। बहुत ही छोटा सा एक कल मैं आऊंगी एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, एक नामकरण ब्लॉग के साथ, ठीक है डुगू बुक हो ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इसको भूखा नहीं रह सकती, इसको भूख लगती है। चलो 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 खाना खाने चलो 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 खाने चलो जीजू पीने चलो चलो चलो। और नामकरण से पहले इसने अपना पूरा फेस नोच के और मच्छरों ने काट के पूरे फेस का फेशियल करा लिया इसने। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय लव यू। और हाँ एक और चीज़ बताई थी, मैं और भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने जो टेस्ट कराए थे उन सबकी टेस्ट की जो रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। हाँ थोड़ा सा ब्लड काउंट जो है वो मेरा जो प्लेटलेट्स जो ब्लड काउंट है ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो हल्का सा इन्फेक्शन है मुझे, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो चलिए आप मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय और आप लोगों के अच्छी विशेज के लिए थैंक यू सो मच बाय।